गोरखपुर दौरे पर आज सीएम योगी रहने वाले हैं। ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा और इसी के साथ गुरु पूर्णिमा उत्सव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है शामिल होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो कि यूपी से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि गोरखपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और इसी के साथ आज गोरखपुर दौरे के साथ साथ वो यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे और आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो इस उत्सव में भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो कि यूपी से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट का उनके द्वारा लोकार्पण किया जाएगा और गुरु पूर्णिमा उत्सव में भी वो शामिल होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो कि यूपी से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है और इसी के साथ ऑक्सीजन प्लांट का भी वो लोकार्पण इस अवसर पर करेंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा उत्सव में भी वो शामिल होंगे। तो आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जहां पर वो ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे, इसी के साथ गुरु पूर्णिमा उत्सव में भी वो शामिल होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो कि यूपी से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आज ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण सीएम योगी द्वारा किया जाएगा और गुरु पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर आज वो इस उत्सव में शामिल होंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गोविंद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं, तो इससे लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिल पाया है? जी, मैं आपको बता दूं, 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही गोरखपुर आ चुके थे। कल उन्होंने गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात दी, कई सौगातों से उन्होंने गोरखपुर वासियों को नवाजा। आज दौरे का उनका दूसरा दिन है। सुबह सबसे पहले उन्होंने जनता दर्शन का कार्यक्रम किया, हालांकि दूर दराज से आए जो भी फरियादी थे उसका निस्तारण का उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया। अब मैं आपको बता दूं कि जो गुरु पूर्णिमा का परंपरागत यहां पे जो उत्सव मनाया जाता है, उसमें आज योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में आज नजर आएंगे। जो शिष्य है उन्हें आशीर्वाद देंगे और ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। मैं आपको बता दूं कि इस गोरखनाथ मंदिर का पुराना इससे नाता है और इसी ये निर्वाह करते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने शिष्यों को आज आशीर्वाद देंगे और गुरु पूर्णिमा का ये त्योहार जो है उत्सव है हर्षोल्लास के साथ गोरखपुर में मनाया जाएगा। जी गोविंद, जिस तरीके से 3 दिवसीय दौरे पर योगी आदित्यनाथ हैं, तो आज दूसरा दिन है और कल तीसरा दिन है उनका, तो कल तीसरे दिन में क्या क्या कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ के रह सकते हैं? जी, आज शाम का उनका कार्यक्रम है। आज स्टेट बैंक की तरफ से 3 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर वो रवाना करेंगे और ये गोरखनाथ चिकित्सालय से रवाना होगा। इसके साथ ही 150 लीटर की प्रति घंटा दर से ऑक्सीजन बनाने वाली संयंत्र का भी आज वो लोकार्पण करेंगे। हालांकि कल का जो कार्यक्रम है वो अभी कोई तय नहीं है, कल का कार्यक्रम कल उसको आज शाम को सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज शाम को वो 3 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जी गोविंद, इस बीच क्या वो लोगों के साथ उन्हें संबोधित करते हुए भी नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल संबोधित करते, कल उनका कार्यक्रम था, कल उन्होंने गोरखपुर क्लब में वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित भी किया और सख्त लहजे में कहा कि कोई भी कानून हाथ मिलेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जनता को उन्होंने वहाँ संबोधित भी किया, कई योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित किया, आज के कार्यक्रम में भी वो वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित कर सकते हैं। जी गोविंद, कल किन किन कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया गया है? जी मैं बता दूं, कल लगभग ये गोरखपुर क्लब में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 464 करोड़ की लागत से लगभग 208 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया था। इसके साथ ही दिव्यांगजनों में ट्राईसाइकिल का भी वितरण किया गया था। इस दौरान 298 करोड़ 81 लाख 72 हजार से अधिक की लागत वाली 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण उन्होंने किया और 164 करोड़ 77 लाख 95 हजार रुपए से होने वाली 27 विकास कार्यों का उन्होंने कल शिलान्यास किया था। इसमें सड़क व बाढ़ बचाव को लेकर बंधों को शुद्धिकरण आदि कार्य प्रमुख रूप से शामिल थे, क्योंकि गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति हमेशा देखने को मिलती है। पिछले वर्ष भी बाढ़ ने विकराल रूप धारण किया था, कई गांव जंगलमय हो चुके थे। इसको देखते हुए ये बजट पास किया गया है ताकि बाढ़ आने से पहले ही पूरी तरीके से इससे लोगों को बचाया जा सके। जी
गोविंद, जिस तरीके से 3 दिवसीय दौरे पर योगी आदित्यनाथ है और इस बीच उन्होंने कई बड़ी सौगातें गोरखपुर के लोगों को दी हैं, तो इस बीच गोरखपुर के लोगों का क्या क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? जी, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं तब तब वो गोरखपुर के साथ ही पूर्वांचल को भी बड़ी सौगात देते हैं। कल इसी कड़ी में उन्होंने गोरखपुर वासियों को करोड़ों की सौगात दी। हालांकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, ऐसे में आज का दिन पूरी तरीके से परंपरागत रूप से मनाया जाता है। आज गोरखनाथ मंदिर में उत्सव की तरह इस पर्व को मनाया जाता है। शिष्य बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में आज नजर आते हैं और बाकायदे एक शिष्यों को वो आशीर्वाद देते हैं। और बात करें कोरोना काल की तो हालांकि 2 साल से ये कार्यक्रम नहीं हुआ था, लेकिन पिछले साल और इस साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस बार इस कार्यक्रम में हर्षोल्लास कुछ अधिक होगा क्योंकि कोरोना का जैसे संक्रमण घटा है तो वैसे अब जो शिष्य हैं वो रूबरू होते हैं मुख्यमंत्री से, गोरक्ष पीठाधीश्वर से रूबरू होते हैं, आमने सामने बैठते हैं, तो ये पर्व जो है इस बार कुछ खास मनाया जाएगा। जी गोविंद, जिस तरीके से आज गुरु पूर्णिमा उत्सव में जो है योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं, तो ये कार्यक्रम कब कितने बजे से शुरू हो जाएगा और योगी आदित्यनाथ के साथ और कौन बड़े बड़े चेहरे होंगे जो इस कार्यक्रम में आज शिरकत कर सकते हैं? देखिए, बात करें गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, गोरखपुर विधानसभा के विधायक इसमें शामिल हो सकते हैं और एक सांसद और हैं उसके साथ ही 9 विधानसभा के 9 विधायक है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कमलेश पासवान जो सांसद है वो भी शामिल हो सकते हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के साथ ही कई बड़े बीजेपी के पदाधिकारी और नेता इसमें शामिल होंगे। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी यूपी से सामने आ रही है जहां पर गोरखपुर दौरे पर 3 दिवसीय दौरे पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इसी के साथ ऑक्सीजन प्लांट का आज वो लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ गुरु पूर्णिमा उत्सव में भी उनके द्वारा शिरकत की जाएगी।